नमस्कार सभी को। यूथ फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं गौतम कुमार क्वेश्चन सीरीज़ के नए 10 क्वेश्चन आपके सामने लेके हाजिर हूँ। तो देखते हैं आज ये 10 क्वेश्चन क्या हैं जो पॉलिटी के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि एक ही व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं मिलेगी। तो इसको इंग्लिश में डबल जेपार्डी भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में डबल जेपार्डी भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको दोहरी दंड या दोहरा दंड भी बोलते हैं। तो ये आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का 20 है उसमें ये लिखा गया है कि एक व्यक्ति को एक से एक अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अपराध एक बार भी किया है तो उसको सज़ा भी एक बार मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडर वॉट डज द राइट टू प्रिवेसी कम, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है। तो ये आता है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में एक केस आया था 2017 में, जिसको हम बोलते हैं पुट्टा स्वामी केस। उसमें ये बोल दिया गया था जो निजता का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है और वो आर्टिकल 21 के तहत आता है। आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार देता है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द 9 जज बेंच विच डिक्लेयर्ड द राइट टू प्रिवेसी एज फंडामेंटल राइट। इनमें से किस न्यायाधीश ने उस संवैधानिक पीठ का अध्यक्षता की थी जिसने निजता के अधिकार को संवैधानिक अधिकार घोषित किया। जैसा मैंने आपको बताया, जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, उसको आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो उस बेंच को लेड किया था जस्टिस J.S. केहर ने। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, क्या है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 21 है वो हमें जीवन जीने का अधिकार देता है और वो हमें ये बोलता है कि सरकार बिना मतलब किसी व्यक्ति की जान नहीं ले सकती। अगर सरकार को किसी व्यक्ति की जान ले ली है तो उसके लिए पहले से कोई कानून होना चाहिए और यह हमें एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार भी देता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, क्या है अंडर विच आर्टिकल एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ बीन गिवन द राइट टू हेल्थ। तो इसका आंसर है कुछ ऑप्शन नंबर D। जैसा कि मैंने आपको बताया, जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 देता है। तो जीवन जीने के तहत बहुत सारे अधिकार आते हैं, जैसे राइट टू हेल्थ, स्वस्थ का अधिकार। अगर एक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो वो प्रॉपरली अपना जीवन नहीं जी सकता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D, यानी कि आर्टिकल नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू, अनुच्छेद 21 इनमें से किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और मैंने आपको बताया इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार हमें आर्टिकल नंबर 21 देता है। अब इसमें जो अदर ऑप्शन है वो है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 के तहत लगाई जाती है, जिसको डिक्लेयर कौन करता है, प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा उसकी उद्घोषणा की जाती है। राइट टू प्रॉपर्टी करंटली एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आर्टिकल 301 के तहत एक लीगल और संवैधानिक अधिकार है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो संविधान में शुरू में नहीं थी, इन्हें संविधान में बाद में जोड़ा गया। 42वां संशोधन जो आया था उससे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया और यह आया था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, राइट टू फ्रीडम इज मेंशनड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 19 से लेके जो 22 है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। जैसा कि आपको पता है, भारतीय संविधान जब बना था तो 7 अधिकार थे, परंतु अभी टोटल उसमें 6 अधिकार हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में दे रखा था उसको हटाकर अभी करंटली लीगल राइट यानी कि आर्टिकल 301 के तहत एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अंडर विच फंडामेंटल राइट इज ह्यूमन ट्रैफिक प्रोहिबिटेड, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव दुर्व्यवहार का निषेध है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर और इसको स्पेसिफिकली आर्टिकल 23 में दे रखा है।
ह्यूमन ट्रैफिक यानी इसका मतलब होता है मानव दुर्व्यवहार, मानव तस्करी। पहले के ज़माने में इंसान को सामान की तरह खरीदा और बेचा जाता था, जिसे आर्टिकल 23 यानी कि आर्टिकल 23 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम बींग एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्रीज कॉमन माइंस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जिसकी एज 14 से कम है, वो किसी कारखाने में, हानिकारक कारखाने में काम नहीं कर सकता। इसे आर्टिकल 24 के द्वारा बैन कर दिया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन इज मेड। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में अंकित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 23 और 24 जो अभी अपन ने डिस्कस किए, वह शोषण के विरुद्ध के अधिकार से संबंधित हैं। आर्टिकल 14 से लेकर जो 18 है, वह समानता का अधिकार बताता है, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 19 से लेकर जो 22 है, जो बताता है आपको राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 29 से लेकर 30 है एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए 10 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।